महागठबंधन की कोशिशों के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कहा, देश की खातिर आ रहे हैं साथ। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकजुटता को बताया जरूरी। शरद पवार और फारूख अब्दुल्ला से भी मिले टीडीपी प्रमुख। असम एनआरसी में 15 दिसंबर तक शामिल करवाए जा सकेंगे नाम। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन आगे बढ़ाई दावे और आपत्तियां दाखिल करने की मियाद। नागरिकता साबित करने के लिए 5 और तरह के दस्तावेजों के इस्तेमाल की दी मंजूरी। ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बनना चाहता है बोत्सवाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात के दौरान बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति ने जताई इच्छा। भारतीय समुदाय को आज रात संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति। पाकिस्तान में ईश निंदा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 10 नवंबर तक धारा 144 लागू। वेस्टइंडीज से 3-1 से वनडे सीरीज जीता भारत। तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम मुकाबले में मेहमान टीम को 9 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच और विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज।